दोस्तों अभी अभी पता चला है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 नहीं बल्कि 27 बिलियन साल पुराना है। और देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि कॉस्मोस मैगजीन, earth.com और यूएसए टुडे जैसी बड़ी बड़ी एस्ट्रोफिजिक्स और न्यूज एजेंसीज के आर्टिकल्स में लिखा गया है। नाउ आई नो कि ये बहुत ही शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि हमारी एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत से सिद्धांत इसी बेस पर बने हुए हैं कि हमारा यूनिवर्स 14 अरब साल पहले के आसपास ही कहीं क्रिएट हुआ था। बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें इस बार कुछ ऐसा डेटा भेजा है जो इस नंबर को सिरे से नकार देता है। और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा क्लेम दुनिया के सामने रखने वाला एक ऐसा इंडियन साइंटिस्ट है जो सालों से चलती आ रही स्पेस साइंस थियरीज को डंके की चोट पर नकारने का काम कर रहा है। तो आखिर कौन है वो इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट? इतना बड़ा क्लेम करने के पीछे उसका लॉजिक क्या है और क्या उसके द्वारा की गई रिसर्च और पब्लिश किए गए पेपर के आधार पर वाकई ये माना जा सकता है कि हमारा यूनिवर्स उससे 2 गुना पुराना है जितना हम उसे आज की डेट में मानते हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ ऐसी ही धरती हिला देने वाली दावों के हकीकत को जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो दोस्तों, हम लोगों के पास आज जो 13.8 बिलियन ईयर्स का आंकड़ा मौजूद है उसे बेसिकली 2 तरह से कैलकुलेट किया गया है। पहला तो है हबल कांस्टेंट, जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि कोई गैलेक्सी किस रेट पर हमसे कितना दूर जा रही है और उसकी इनिशियल दूरी हमसे कितनी रही होगी, और फिर उसके दूर जाने के रेट पर उसकी एज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जाती है। अब दूसरा तरीका ऑब्वियसली गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व करने पर दबाव डालता है, जिसके बारे में हम वैसे तो पहले ही अपने ढेरों एपिसोड्स में कई बार बता चुके हैं, मगर फिर भी एक रफ अंदाजा देना हो तो यही कहा जाएगा कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी ज्यादा दूर जाती जाती है और पुरानी होती रहती है, उनके द्वारा रिलीज की जाने वाली वेवलेंथ भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण रेड शिफ्ट होने लगती है। और किसी भी गैलेक्सी के इमेज में उसकी रेडनेस को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो आज से कितने साल पहले ओरिजिनेट हुई थी और आज की डेट में वो हमसे एटलीस्ट कितनी दूरी पर मौजूद होगा। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ हबल कॉन्स्टेंट एज वेल एज द स्पीड ऑफ लाइट एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अब हमारे पास जब सालों नहीं बल्कि दशकों का डेटा और सदियों के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इकट्ठा हुए थे, तब जाकर हम इस फिगर के ऊपर स्ट्रिक्टली आ पाए थे, जिसे काफी सारे रिसर्चर्स के अप्रूवल के बाद ही मंजूरी दी गई थी। मगर इस फिगर को सबसे पहली चुनौती मिली थी साल 2000 में, जब यूनिवर्स के सबसे पुराने स्टार मेथुसेलह की एज करीब 16 अरब साल डिस्कवर करी गई थी। अब इसे एक यूनिवर्स ब्रेकिंग डिस्कवरी माना जा रहा था, लेकिन चूंकि ये ऐसा नंबर पेश करने वाला इकलौता स्टार था, इसीलिए कई लोग इसे कैलकुलेशन फ्लूक मानकर इग्नोर भी करते रहे। हावेवर पिछले साल लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे बनाया तो गया था यूनिवर्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, मगर लॉन्च के बाद से ही ये रिसर्चर्स को सरदर्द पे सरदर्द देता जा रहा है। अब जहां अपनी पहले ही कुछ इमेजेस में JWST ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज को डिस्कवर कर लिया था जो यूनिवर्स की शुरुआत यानी कि बिग बैंग के करीब 300 से 400 मिलियन साल बाद ही ओरिजिनेट हो गई थी। नाउ इस सिनेरियो को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स इतना ज्यादा डेंस था कि प्रॉपर स्टार्स वाली गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं थी। अब ऐसे में इस तरह की आकाशगंगाएं तस्वीरों में कैसे कैद हो सकती है जिनका अस्तित्व ही असंभव हो? अब इनकी इसी इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से इन्हें अर्ली इम्पॉसिबल गैलेक्सीज भी कहा जाता है। बट हियर कम्स द फन पार्ट। इन आकाशगंगाओं के अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो इस टाइमलाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसके बारे में हमने आपको अपने इस वाले वीडियो में बड़े ही डिटेल से बताया था। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना कर दो। पर अगर हमारा मॉडल इतना ही एक्यूरेट है तो उससे साल दर साल गलतियां पर गलतियां कैसे हो रही है? और इसको आसान भाषा में पॉइंट आउट करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के एडजंक्ट प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता ये कहते हैं कि हमारी गलतियां सबूत है इस बात का कि हम अपने यूनिवर्स को समझने के लिए सही प्रिंसिपल्स और सही मॉडल को यूज नहीं कर रहे। दरअसल उनके हिसाब से ये लगता है कि हम जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है और उसी के आधार पर हमने एक फिगर दे दिया है, मगर हमारा यूनिवर्स उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और राजेंद्र ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी का हवाला देते हुए कुछ अलग प्रिंसिपल्स और मेथड्स के साथ यूनिवर्स के एज को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर आए कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन नहीं बल्कि उससे करीब डबल
यानी कि 26.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब देखो यहाँ पर 1-2 अरब सालों का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े फिगर को ऑलमोस्ट डबल कर देना एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मांगता है। और उन्हीं प्रूफ्स पर आधारित पब्लिश किए गए उनके पेपर में हमें उनकी आइडियोलॉजी का क्लियर आइडिया मिलता है। अब गुप्ता जी सजेस्ट करते हैं कि सबसे बड़ा फ्लॉ हमारी फिजिक्स में रेड शिफ्ट को देखने के नजरिए में है। अब देखो उनके हिसाब से रेड शिफ्ट सिर्फ इसीलिए नहीं क्रिएट होता क्योंकि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, जिस वजह से उनकी वेवलेंथ फैल जाती है, बल्कि उनके हिसाब से जब किसी गैलेक्सी द्वारा एमिट की जा रही लाइट से निकला हुआ फोटोन यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो वो लंबी दूरी ट्रैवल करने की वजह से और रास्ते में आने वाले अलग अलग मैटर और पार्टिकल से कोलाइड करते करते कई बार एनर्जी को लूज करने लगता है, जिस वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गैलेक्सी हमें रेड शिफ्टेड इसी वजह से दिख रहा हो क्योंकि वो हमसे ज्यादा दूर है, बल्कि वो इस वजह से भी रेड दिख सकता है क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर यानी कि हम तक ट्रैवल करते करते बहुत सी चीजों से कोलाइड करते हुए अपनी एनर्जी को खोई हो। अब ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि इसे फिजिक्स की दुनिया में साल 1929 में फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक स्विस एस्ट्रोनॉमर ने टायर्ड लाइट थियोरी के नाम से प्रपोज किया था। एंड राजेंद्र गुप्ता इसी थ्योरी का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार हमें कुछ बिलियन साल पुराने गैलेक्सीज भी इतने ज्यादा रेड शिफ्टेड दिखते हैं कि हम उन्हें कई अरब साल पुराना या फिर बिग बैंग के आसपास का बना हुआ मान लेते हैं, जबकि उनकी ऐसी अपीयरेंस सिर्फ जरूरत से ज्यादा एनर्जी लूज करने की वजह से ही होती है। ऑल्दो ये थ्योरी इतनी कंफ्यूजिंग है कि अगर इस पर यकीन किया जाए तो ये भी पॉसिबल है कि कई सारी गैलेक्सीज की लाइट हम तक पहुंचते ही इतनी एनर्जी लूज कर देती हो कि हमें उनका स्वरूप ही नहीं दिख पाता है। और ऐसे ही कॉन्ट्रेरी फ्लॉज की वजह से साल 1929 में प्रपोज करने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर यकीन करने से ही मना कर दिया। हालांकि अपने पेपर में राजेंद्र गुप्ता ये भी कहते हैं कि हम यूनिवर्स की जिन वैल्यूज को कॉन्स्टेंट मानते हैं, नाउ फॉर एग्जाम्पल हबल कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट ऑफ सी एक्सेट्रा, वो एक्चुअली में कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं। अब आसान भाषा में इन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा हर टाइम पीरियड और हर माहौल में सेम नहीं रहता, बल्कि समय के साथ साथ इनके फिगर्स बदलती रहती है, जिस वजह से हमारा यूनिवर्स हर टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से फंक्शन करता रहता है। और यहाँ पार्टिकल और इवन लाइट का भी इंटरैक्टमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब एक रफ एग्जाम्पल देने के लिए मान लीजिए अगर आज लाइट की स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड है, तो हो सकता है कि आज से 1 अरब साल पहले लाइट की ये स्पीड सिर्फ 29,96,00,000 मीटर्स पर सेकेंड ही रही हो। नाउ ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मगर इससे आप समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड के हिसाब से यूनिवर्स में होने वाले कांस्टेंट की वैल्यूज के चेंजेस को राजेंद्र गुप्ता किस तरह से डिफाइन करने की सोचते हैं। अब अपनी इस आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने जब अपने द्वारा कैलकुलेट की गई अलग अलग वैल्यूज को टायर्ड लाइट थियोरी को मद्देनजर रखते हुए इंसानों द्वारा कलेक्ट किए गए आज तक के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के साथ एडजस्ट किया, तो उन्होंने रिजल्ट के तौर पर अपनी कैलकुलेशंस में 26.7 बिलियन ईयर्स का आंकड़ा खोज निकाला, विच इज according to him the actual age of the universe. Now is it really reliable? Well, ye thoda tricky question hai. Ab dekho sabse pehli dikkat to ye hai ki agar टायर्ड लाइट थियोरी, जिसको पहले ही वैज्ञानिकों द्वारा गलत ठहराया जा चुका है, अगर वो सही है तो इस यूनिवर्स की एक्चुअल बाउंड्री और साइज का पता लगाया जा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्या पता हम जहां तक देख रहे हैं उसके पहले भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता रहा हो, बस उनके फोटोन्स के एग्जॉशन की वजह से हम उन्हें ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो। अब हमारे इस यूनिवर्स का शेप क्या है ये भी तो हमने कहीं ना कहीं कलेक्ट किए गए डेटा से ही पता लगाया है और ऑब्जर्व की गई कॉस्मिक एंटिटी की डिटेल से ही ढूंढ निकाला है, लेकिन अगर हमें उसकी एक्चुअल बाउंड्री नहीं दिख रही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनमें यूज की जाने वाली वैल्यू इस टाइम पीरियड के हिसाब से सही होंगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास कंप्लीट डेटा है ही नहीं तो अवेलेबल डेटा से हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे भी कैसे। अब इसको जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अगर आप किसी ओवल शेप के कमरे में बंद है लेकिन आपको सिर्फ उसका उतना ही हिस्सा दिख रहा है जितने में कोई स्क्वायर बन सकता हो और बाहर के हिस्से को देखने का कोई भी साधन मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली कोई भी ऑब्जर्वेशन कैसे सही हो सकती है। आफ्टर ऑल आपके हिसाब से तो आप जिस स्ट्रक्चर में मौजूद है वो तो एक स्क्वायर शेप का ही दिख रहा है कि नहीं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमें ना सिर्फ आज तक ऑब्जर्व की गई सारी गैलेक्सीज एक बार वापस से करेक्ट करने पड़ेंगे, बल्कि वेरिएबल वैल्यूज और उसके पाथ को देखते हुए भी उसके एक्चुअल फिगर्स को रिकैलकुलेट करना होगा। अब हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड उससे बहुत पुराना हो जितना हम सोचते हैं, मगर राजेंद्र गुप्ता द्वारा सबमिट किए गए फैक्ट्स और डिटेल्स बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर की नजरों में इतने रिलायबल नहीं है कि उनके बारे में कुछ सीरियसली सोचा जा सके, और इसी वजह से इसे सिर्फ एक हाइपोथेसिस की कैटेगरी में ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हम ब्रह्मांड की जो उम्र मानते हैं, ब्रह्मांड वाकई में उतना पुराना है, या इसके तार अतीत में और भी पीछे जुड़ते होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कंजूसी मत करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।